find the way to play T20 cricket is amazing, yaar. Matlab, no doubt he's become the number one T20 batter. Dekhe, Mohammad Rizwan bhi number one raha T20 ka. Lekin, aap is T20 batter. Dekhe, Mohammad Rizwan bhi number one raha T20 ka. Lekin, aap is bande ki strike rate dekhen. मतलब इस साल 2022 में 188 की स्ट्राइक रेट यार। और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी लेजेंड्स भी मैदान में आए और क्या उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। चाहे वो शेब अख्तर, चाहे वसीम अकरम, सब बड़ी शानदार किस्म की तारीफ करें सूर्य कुमार यादव की। क्या कह रहे हैं जरा इसके ऊपर बात करें। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड दिखाता हूँ अभी पाकिस्तान का जो ट्विटर है, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि वहां पर भी सूर्य कुमार यादव नंबर वन पर ट्रेंड कर रहे हैं। बैटिंग किस तरह की जाती है, व्हाट इज T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट, और किस तरह से आपको इसमें परफॉर्म करना होता है T20 इंटरनेशनल में। और मेरा ख्याल से अनडाउटेडली अगर आप देखें तो किंग ऑफ T20, द रियल किंग ऑफ T20 क्रिकेट इज राइट नाउ सूर्या कुमार यादव, कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता। हम बात करते हैं बटलर की, एलेक्स हेल्स की, ठीक है अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्म। शॉर्ट्स की रेंज आज भी आपने उसकी इनिंग्स की चेक की है, अगर वो यॉर्कर लेंथ पे ऑफ साइड के बाहर बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से बल्ले से स्कूप कर रहा है, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से जा रही है गेंद, और जैसी गेंद वो ऑफसाइड के बाहर है थोड़ा सा वाइड एंगल के साथ वो ऊपर से खेल रहा है, यॉर्कर लेंथ को भी नहीं छोड़ रहा, उधर से भी वो ऊपर से चौका, और अगर विकेटों में गेंद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज के दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। उन्होंने 51 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए और भारत की जीत में अहम योगदान दिया। सूर्य कुमार की इस पारी के चलते भारत ने 6 विकेट पर 191 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस मैच में सूर्य कुमार ने 11 चौके और 7 छक्के लगाए। उन्होंने 217 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भारत के बल्लेबाजी ने 19 गेंदों में 69 रन बनाए, लेकिन सूर्य कुमार के शतक के चलते ही भारत ने 191 रन तक पहुंचे, जिसे देख पाक मीडिया में हड़बड़ी मच चुकी है। पाक मीडिया ने कहा सूर्य कुमार यादव को क्रिकेट से बैन कर दिया जाए, सूर्य कुमार जैसा प्लेयर हमने आज तक नहीं देखा। पाक मीडिया ने और क्या क्या कहा देखे इस वीडियो में, वीडियो शुरू करते मजेदार वीडियो देखिए आप लोग। स्टीव स्मिथ, यू नेम इट, मतलब दे आर मोर क्लासी प्लेयर्स देन सूर्य कुमार यादव राइट नाउ, बट द वे दिस गाय हैज रीडिफाइंड द वे टू प्ले T20 क्रिकेट इज अमेजिंग यार। मतलब नो डाउट ही इज बिकम द नंबर वन T20 बैटर। देखें, मोहम्मद रिजवान भी नंबर वन रहा T20 का, लेकिन आप इस बंदे की स्ट्राइक रेट देखें, मतलब इस साल 2022 में 188 की स्ट्राइक रेट यार, 950, अब 200 एंड लीव द मतलब 50s एंड 100s अलोन, इट्स जस्ट स्ट्राइक रेट एंड ही इज टर्न आउट 58 सिक्सेस, 67 सिक्सेस ऑलरेडी दिस ईयर। जो स्ट्राइक रेट है ना, दैट्स द मेन थिंग। और मैं आपको याद होगा अभी मैंने अपनी टीम बनाई थी वर्ल्ड कप की बेस्ट, उसमें बहुत सारे मैंने मतलब जैसे कोहली को, बाबर को, रिजवान वारा को मैंने नहीं रखा, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा कि यार इनके बिगड़ तो टीम बनती नहीं T20 की। बट माई पॉइंट इवन एट दैट टाइम वॉज यार कि आफ्टर सीइंग दिस वर्ल्ड कप एंड ऑल, आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि T20 अब आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से खेलनी है। मतलब अब वो चला गया वो वक्त के आप वो एक मतलब स्टडी और फलाना, अब यू द वे देखिए सूर्य कुमार यादव विल नॉट बी सक्सेस फॉर ऑल द टाइम, ही विल फेल ऑल्सो, बट देन देर अदर प्लेयर्स इन द टीम जिनको वही रोल अडॉप्ट करता है। ही इज एक्सेप्शनल यार, 360 जिसके शॉट्स थे, जिसने 7 छक्के लगाए, जो उसने मतलब 11 चौके लगाए, ऐसा नहीं था कि उसने कोई आते ही धड़ाधड़ मतलब उसके हिसाब से जो पहले उसके 50 थे, दैट केम अप फॉर ओनली 34-35 बॉल्स, विच वॉज लाइक वो, लेकिन उसके बाद सेकेंड 50 उसने 16 बॉलर पे कर दी पूरी, आखिरी 3-4 ओवर में उसने पूरा फायदा उठाया ओवर्स का। सो ही नोज कि कब मुझे खेलना है, लेकिन उसकी इंटेंट कभी गिरती नहीं है, और आई थिंक यही टेम्पलेट अब आपको हर बैट्समैन को अब अडॉप्ट करनी है T20 क्रिकेट में। यू किस्म का जो है मुकाबला हुआ, क्या जबरदस्त किस्म की सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है, और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी लेजेंड्स भी मैदान में आए और क्या उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। चाहे वो शेब अख्तर, चाहे वसीम अकरम, सब बड़ी शानदार किस्म की तारीफ करें सूर्य कुमार यादव की। क्या कह रहे हैं जरा इसके ऊपर बात करें। टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान के ट्विटर पर, टॉप ट्रेंड है दिखाता हूँ अभी पाकिस्तान का जो ट्विटर है, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि वहां पर भी सूर्य कुमार यादव नंबर वन पर ट्रेंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी शानदार इनिंग की वजह से। क्योंकि जब भी आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपको यही देखने को मिलेगा, लोग इसी तरह हाईली आपको प्रेज करेंगे। नहीं, इसकी वजह ये भी है कि अगर आज आपके पाकिस्तान के ट्विटर पर ट्रेंड है सूर्य कुमार यादव, उसकी एक मेन वजह यह है कि क्योंकि हम अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत सके हैं तो अपनी बल्लेबाजी की वजह से।
अपनी लैक ऑफ अटैकिंग बैटिंग की वजह से, डिफेंसिव अप्रोच की वजह से हम नहीं जीत सके वर्ल्ड कप। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, वो है ना कि जब भी कोई होगा तो याद आएगी हमें, तो आज इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो फैंस हैशटैग सूर्य कुमार यादव डाल डाल के जो है वो ये लिख रहे हैं बार बार के भाई ऐसे बल्लेबाजी होती है टी20, ऐसे खेली जाती है क्रिकेट टी20 में, इस साल में दूसरी सेंचुरी, पहली नॉटिंगम में 55 गेंदों पे, आज आप फिर देख लो। फर्क ये था कि केन विलियमसन भी दूसरे एंड में था, वो वही हमारी तरह टुक टुक खेल रहा था, इवन सेमीफाइनल में भी वो ऐसे हमारे के टुक टुक खेल रहा था, आज भी वो टुक टुक खेल रहा है, वो टुक 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 लगा हुआ था आराम से लगा। लेकिन भाई इवन इंडिया के खिलाड़ियों से कंपैरिजन कर ले, सूर्य कुमार यादव भाई ठीक कहा था वसीम अकरम ने, ठीक बोला था, ये एक अदर ही प्लैनेट से है। बात की ना शायद आफरीदी ने, वो कहते हैं सूर्य जिस तरीके से नडर क्रिकेट खेलता है, आपका आप उठाओ कोई प्लेयर दुनिया का कोई खिलाड़ी, और भाई कोई इस लेवल का प्लेयर नहीं है। आप शायद कह सकते हो कि यार लिविंगस्टन भी मिडिल ऑर्डर में खेलता है, ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लिविंगस्टोन इतना लंबा जाता है? लंबा नहीं जाता। मोहम्मद हारिस है पाकिस्तान का, वो भी आते साथ तबड़ 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 बैटिंग करता है, लेकिन क्या वो लंबा जाता है 8-10-12 बॉलों पे खत्म? यही बाकी खिलाड़ी आप देख लो, वेस्टइंडीज से खिलाड़ी है, कोई ताबड़ तोड़ बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही 12-13 गेंदों पर खत्म। यार यदि अब यही बात है कि अब आप शोएब अख्तर, अब वो क्यों सूर्य कुमार यादव की हर बंदा तारीफ कर रहा है? जब ऐसा नडर खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाता है तो हर बंदा तारीफ करता है, हर फैन तारीफ करता है। नासिर हुसैन ने तारीफ किया भाई आज, उन्होंने सूर्य को क्या क्या उन्होंने तारीफ की सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने और ये बता दिया सूर्य कुमार यादव ने कि वर्ल्ड क्रिकेट में बैटिंग किस तरह की जाती है, व्हाट इज टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट, और किस तरह से आपको इसमें परफॉर्म करना होता है टी20 इंटरनेशनल में। और मेरा ख्याल से अनडाउटेडली अगर आप देखें तो किंग ऑफ टी20, द रियल किंग ऑफ टी20 क्रिकेट इज राइट नाउ सूर्य कुमार यादव, कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता। हम बात करते हैं बटलर की, एलेक्स हेल्स की, ठीक है अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट इस तरह से पागलपने की हिटिंग जो है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। और ये मैं आपको बता दूं कि सारी सारी जो तोपों का रुख है अब ये मैच। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूं, विराट कोहली ने ट्वीट की है, विराट कोहली ने ट्वीट की है, यहाँ थोड़ा माहौल, विराट कोहली ने बता दिया कि भाई करता जा बर्बाद करता जा बर्बाद करता जा। अब आप मुझे एक बात बता दें, ऋषभ पंत ओपन कर रहे हैं, मैं ऋषभ पंत पे बता दें ईमानदारी से यार, जहां से भी लोग हैं, क्या इस किस्म की पागलपन, मैं इसे पागलपन कहता हूं। देखो मेरा मानना है नॉर्मल काम में सक्सेस नहीं है, जब तक कोई चीज पैशन वर्ड हम बड़ा सुनते हैं, जो पैशन है उसे काम बना लो। तो भाई जब तक आप किसी बात के लिए पैशनेट नहीं है ना, आपको सक्सेस मिलेगा ही नहीं, ये याद रखिएगा। आप यू हैव टू बी पैशनेट टू अचीव योर गोल्स। तो आप ये बता दें कि कोई खेलता है इस तरह से? ये पागलपन है भाई, जुनून। जब तक किसी चीज़ को, यानी जो आपकी मोहब्बत है आप उसको अपने लिए जुनून नहीं बना लोगे, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। चालाकी से कोई काम नहीं होता कि मैं अपने 6 ओवर खेल लूँ, मैं अपना पावर प्ले खेल लूँ। अच्छा दूसरी बात यह है कि उमरान कुलदीप से, हाँ यार ये लोग बिल्कुल हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप मुझे बता दें कि बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, इवन मार्क रम हो, कौन खेलता है इस तरह से यार, कौन खेलता है? ये क्राइम है, इसको बैन कर दो इस आदमी को। ये क्रिकेट की डायनेमिक्स को बदलने जा रहा है विद द एज ऑफ 32, ये मैं आपको बता दूं, ये क्रिकेट की डायनेमिक्स को बदलने जा रहा है, ये तब्दील करके रख देगा वर्ल्ड क्रिकेट, मैं आपको बता दूं, इसने ऑलरेडी तब्दील कर दी है। और आज एक बात बताऊं, बहुत सारी प्रेडिक्शन मैंने भी, नन अदर देन सूर्य कुमार यादव, व्हाट अ बैट्समैन ही इज, नंबर वन बैट्समैन, पहले पता चलता है नंबर वन रैंक है, पता चलता है एक्सेप्शनल है। तो आई सेड कि अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई कोई नंबर वन रैंक बैट्समैन है। रिजवान और बाबर जिस तरह खेल रहे थे वो मज़ा नहीं आ रहा था देख के। टी20 का नंबर वन रैंक बैट्समैन जब बैटिंग करने क्रीज में आए तो पता चले कि जनाब ये नंबर वन रैंक बैट्समैन है, और बॉलर्स जो हैं और दूसरी टीम का जो कप्तान है वो फील्डिंग में बचते फिरे कि भाई क्या करें, कहाँ पे फील्डिंग खड़ी करें, कौन सी लाइन पकड़ के गेंद करवाएं, ये तो किसी तरफ भी नहीं छोड़ रहा। तो पता चलना चाहिए कि नंबर वन रैंक बैट्समैन, एंड ही इज़ द नंबर वन रैंक बैट्समैन जो आपके सामने है। शॉट्स की रेंज आज भी आपने उसकी इनिंग्स की चेक की है, अगर वो यॉर्कर लेंथ पे ऑफ साइड के बाहर बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से बल्ले से ऐसे स्कूप कर रहा है शॉट, थर्ड मैन के ऊपर से जा रही है गेंद, और जैसी गेंद वो ऑफ साइड के बाहर है थोड़ा सा वाइड एंगल के साथ वो ऊपर से खेल रहा है, यॉर्कर लेंथ को भी नहीं छोड़ रहा, उधर से भी वो ऊपर से चौका, और अगर ए विकटों में गेंद स्लो बाउंसर है उसको ऐसे विकेट के कीपर के ऊपर से स्कूप कर रहा है,
वो जा रही है, और अगर वही गेंद थोड़ा सा लेग साइड पे आ गई है उसको फाइन लेग पे छक्का मार रहा है, सऊदी ने थोड़ा सा पेस चेंज किया उसको मिड विकेट पे छक्का दिया, जब उसने जो जितना भी पेस है उस बेचारे का, फिर उसने चौके छक्के खाए, और फिर गुसन का तो कचूमर निकाल दिया आखिरी जो उसका आखिरी ओवर था, उसको चौके छक्के इतने मारे के बस उस